ये तो आप जानते हो कि एफर्मेशंस एक बहुत ही कमाल का टूल है अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने का। बट आज मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि आप इस टूल को यूज़ करो अपने अंदाज में, यानी आप एफर्मेशंस बनाओ, अपनी लाइफ के हिसाब से बनाओ जो आपके लिए सूटेबल हो। आप उन्हें अपनी ही आवाज़ में रिकॉर्ड करो। यूट्यूब पर आपको ढेरों वीडियोस मिल जाएंगी, भर भर के आपको वीडियोस मिलेंगी एफर्मेशंस के ऊपर। मैंने खुद इस चैनल पे कितनी सारी वीडियोस बनाई हूँ एफर्मेशन के ऊपर। शायद वो आपके लिए काम ना करे, या कर भी सकती है, लेकिन अगर आप एफर्मेशंस बनाओगे जो आपकी लाइफ के सिनेरियो के हिसाब से होंगी, जो आपको सूट करेंगी, जो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से बनाओगे, वो एफर्मेशन बेस्ट होंगी। दूसरा, अगर आप उन्हें अपनी ही आवाज़ में रिकॉर्ड करके सुनोगे तो वो सीधे आपके सबकॉन्शियस में जाएंगी, और घुमा फिर आगे सारा कुछ करके हमारा एंड गोल क्या होता है कि वो हमारे सबकॉन्शियस तक पहुँचे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने ये कर लिया तो आपका सबकॉन्शियस बहुत ही जल्दी और इफ़ेक्टिव तरीके से रिप्रोग्राम होगा। एंड बिलीव मी, ये बहुत सिंपल है, आपके लिए बहुत आसान काम है। आपको कुछ नहीं करना, बस एक पेन पेपर लो, अपने लिए एफर्मेशंस लिखो जो आपकी लाइफ की सिचुएशंस और चैलेंजेस के हिसाब से आपको लगे कि हाँ, ये मेरी लाइफ का एरिया है जहाँ पे मुझे काम करना है, मुझे इस एरिया को इम्प्रूव करना है। तो उन एफर्मेशंस को लिखो, फिर उन्हें रिकॉर्ड करो, और फिर जब भी आपको टाइम लगे आप उन्हें सुनना शुरू कर दो। दो बेस्ट टाइम होते हैं, जब आप रात को सोने जाते हो और जब आप सुबह उठते हो, सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से ठीक पहले। इन दो टाइम में सबकॉन्शियस बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है और वो जल्दी उस बात को कैच कर लेता है जो हम इसमें प्रोग्राम करना चाहते हैं। ये दो टाइम तो बेस्ट है ही, बट इसके अलावा दिन में जब भी आपको टाइम लगे, व्हेन यू फील यू कैन डू दिस, अपनी रिकॉर्ड की हुई एफर्मेशंस को सुनो, मन ही मन उन्हें दोहराओ, या अगर आपको किसी ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ पे आप बोल के भी उनको रिपीट कर सकते हो, लाउड बोलो, सीधा अपनी आवाज़ में उन्हें सुनो। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है रिप्रोग्रामिंग का, क्योंकि आप अपनी बात जो आप खुद में देखना चाहते हो, जैसा आप खुद को देखना चाहते हो, वो बात आप अपनी ही आवाज़ में सुन रहे हो। तो आपके सेंसेस, आपके कान उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, आपके कान में वो बात अपनी खुद की आवाज़ में जा रही है, तो आपकी वॉइस में इतनी ताकत होती है। रिक्वायर्ड एफर्मेशंस बनाने के लिए आप अपनी लाइफ के उन एरियाज को देखो जहाँ पे आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो। आप उन पे अपना फोकस लाओ, अटेंशन लाओ। पहले तो उन्हें सोचो कि मैं क्या, मेरे में कमी है क्या, मुझे इम्प्रूव करना है क्या, मेरे में ऐसी चीज़ है जो मेरे को सही नहीं लगती, जो मैं बदलना चाहता हूँ। से फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप एफर्मेशन क्या लिखोगे? आई एम ए पावर हाउस ऑफ कॉन्फिडेंस, आई एम ए पावर हाउस ऑफ कॉन्फिडेंस। दूसरी बात ये कि जिस सेंटेंस को आप बना रहे हो वो प्रेजेंट टेंस में ही होना चाहिए। और तीसरी बात ये कि जिस एफर्मेशन को आपने बनाया है उसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आपने एक एफर्मेशन बनाई कि मुझे चिंता नहीं होती, मैं चिंता नहीं करता, इसकी बजाय ये बोलो मैं रिलैक्स्ड हूँ, मैं रिलैक्स्ड हूँ। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस सिर्फ मेन वर्ड्स पे ही फोकस करता है। अगर हम बोल रहे हैं मैं चिंता नहीं करता, तो वो चिंता वर्ड पे ही फोकस करेगा बार बार, और वो चिंता और बढ़ेगी कम होने की बजाय, तो वो नहीं वर्ड को नहीं समझता। तो इसलिए एफर्मेशन को पॉजिटिव सेंटेंस में बनाओ, प्रेजेंट टेंस में बनाओ। बिफोर यू ड्राफ्ट योर एफर्मेशन, इन सारी बातों का ध्यान रखना। ऑल्सो एफर्मेशन में क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी क्रिएट किया हुआ है, इसी चैनल पे अवेलेबल है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। बाकी मुझे यकीन है कि आप बना लोगे, आप ये काम कर लोगे। इट इज़ टू सिंपल, एंड ज़रूर इसको यूज़ करना। आपकी आवाज़ में एक पावर है, भूलना मत। अब जैसे मैंने बोला ना, भूलना मत, आप भूल जाओगे। याद रखो, मैं कह रही हूँ आपकी आवाज़ में एक पावर है, इसे याद रखना। जल्दी से जल्दी अपने लिए एफर्मेशन बनाओ। बाकी वीडियोस सुनने देखने की बजाय इस पे फोकस करो कि आप खुद के लिए क्या बना सकते हो, क्योंकि आप क्रिएटर हो, एंड क्रिएटर अपने बारे में जानता है जो उसे क्रिएट करना होता है। तो कोई और आपके लिए क्या क्रिएट करेगा?
आप अपने लिए डिजायर्ड रिक्वायर्ड एफर्मेशंस बनाओ जो आपकी लाइफ को सूट करती हो। सिर्फ वही एफर्मेशन आपके माइंडसेट को बदलने में आपकी हेल्प करेंगी, क्योंकि कोई और आपको नहीं बता सकता कि आपको कहाँ इम्प्रूव करना है कहाँ नहीं करना है। बस कुछ टाइम अपने साथ बैठिए, अपनी कमियों को देखो, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेसेस को लिखो कि मेरी ये कमी है, मुझे ये इम्प्रूवमेंट इसमें लाना है, तभी आप उस चीज़ को क्रिएट कर पाओगे। बाकी तो आप लगे रहो और मंजिल कभी ना कभी तो मिल ही जाएगी। ऑल्सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।